जब गांव का पशु नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, यहाँ गांव का क्यों नहीं नुकसान होगा? पानी नहीं बचेगा। प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और चगर देखा, बाढ़ आ चुकी है, हरियाणा के बहुत से गांव में भी बाढ़ आ ली है। तो यहाँ पर आज एनडीआरएफ की टीम पहुंची है मदद करने के लिए। तो एक बार गांव पूछ लेते, कौन सा गांव? कुदनी गांव ये बता रहा है, फतेहबाद का गांव बताया जा रहा है कि फतेहबाद का ये गांव है। और आप देख लग रहे हो कि भी किस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम मदद करने के लिए पहुंची है। राहत सामग्री भी साथ में ले जाते हैं और बोट के जरिए जो मतलब जो लोग घरों के अंदर फंसे हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचाएगी ये टीम। और जो यहाँ का जो पानी की बात करें तो पानी मतलब बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि मतलब लोग किस प्रकार से, जो आने जाने का गांव के चारों तरफ से आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, तो इसलिए लोग बाहर नहीं जा सकते। और इसलिए यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा। उधर देखो, देखियो मतलब जितनी भी आसपास खेती बाड़ी है, जितना भी जो है, सब कुछ नष्ट हो गया है। पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत ज़्यादा। ले चलो सर, हम चल पड़ेंगे। तो जो एनडीआरएफ की टीम है वह लगातार मदद करने के लिए जा रही है। तो एक बोट है वह पहले आगे जा चुकी है, दूसरी बोट तैयार है। तो वो ढाणी दिख रही है, ढाणी बोलते हैं यहाँ पर, जो खेतों में मकान बनाए गए हैं, खेतों में घर है, तो उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, चारों तरफ पानी है, तो पानी में निकल के आ नहीं सकते। पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इतना पानी है, तो पूरा चारों तरफ कितना पानी है, उधर देख सकते हैं कि कितना पानी है। जो फसल है चारों तरफ वो भी डूब गई है। तो यहाँ पर गाँव वाले हैं, गाँव वालों से कुछ पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत। गांव के अंदर भी पानी आया है? हाँ जी, गांव के अंदर नहीं आया जी, बाहर है, बाहर है जी। तो मतलब खेतों में लोग रहते हैं यहाँ पे? हाँ, खेतों में रहते हैं, वहीं पे फंसे हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ये कुदनी हेड है जी। कुदनी है हरियाणा में? हरियाणा में है, फतेहबाद में आता है? हाँ, फतेहबाद, फतेहबाद में, फतेहबाद में आता है। हाँ जी। तो मतलब एनडीआरएफ की टीम अभी पहुंची है, पहले भी आई थी? नहीं, पहले भी आई है जी। तो लगातार? हाँ, लगातार ही आ रही है जी, लगातार। हाँ, रात को भी आ रही है, दिन में भी आ रही है। तो अभी गाँव बचा हुआ है? हाँ, गाँव बचा हुआ है। चारों तरफ पानी है? हाँ, चारों तरफ पानी, चारों तरफ। हाँ जी। आप इसी गाँव से? हाँ, इसी गाँव का टूल ऑपरेटर हूँ मैं, पीएस गाँव का। सारा पानी आ रहा है जी, सारा ही। बाकी प्रशासन मदद कर रहा है, हम नहीं कह रहे, प्रशासन को बहुत मदद कर रहे हैं। कोई सामान की लोड है, पानी की भी, देखो सुविधा सब सब दे रहे हैं, किसी कमी नहीं दे रहा। जो प्रशासन है ना, मदद कर रहा है, लगातार मदद कर रहा है। हाँ, मदद कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जितनी वो कर रहे हैं। वो मेरे गांव के अंदर सर 400 पानी है, गाँव बच रहा है। लेकिन हाँ, मैं पीने के लिए, हाँ पानी पीने के लिए बाहर से टैंकर आ रहे हैं। सरपंच साहब बहुत अच्छे हमारे यहाँ के, जो सरपंच है वो टैंकर भेजते हैं, मैं लाता हूँ, खुद जाता हूँ। आप टैंकर? हाँ, ऑपरेटर साहब मैं इंद्रदास हूँ जी। हाँ, मैं लेता हूँ सर, टैंकर लेता हूँ, गांव में पानी बांटता हूँ। बाकी सेवा वाले पब्लिक आती है, बोतलें ले जाते हैं, कोई जीरा जैसे है। देख रहे हो आप, बहुत अच्छा सहूलत, बहुत बढ़िया कर रखे है। तो ये चारों तरफ गांव वाले हैं? हाँ, ये गांव वाले खड़े हैं मेरे सारे। करो भाई बात, क्या करनी है? ये ढाणी का एक लड़का, ये ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, मेरी ढाणी है यहाँ से 10 किलो दूर। अच्छा। तो मेरी ढाणी डूब चुकी है। अच्छा। यानी कि जो भी सामान है, पशु वगैरह गांव में ले रखे हैं धर्मशाला में। जब गांव का पशु नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, यहाँ गांव का क्यों नहीं नुकसान होगा? पानी नहीं, इसकी डाली तो ठीक है। सर, अच्छी बात है ना कि गांव में पानी नहीं बढ़ा, कम तक कम गांव वाले तो सेफ है। गांव तो सेफ है, लेकिन गांव तो सेफ है अभी, तो आसपास बाहर नहीं जा सकते। गांव ने भी तो जो फसल को रखी है, गांव की भी है, ये तो है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो नुकसान तो ये फसल का हुआ है जी। देखिए, जो डाणियों में जो जो खेतों के अंदर मकान बने हुए हैं, जो डाणी है, उनमें जो लोग हैं, तो उनको लगातार निकाला जा रहा है, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। तो फिलहाल है हम फतेहबाद के गांव में, और कौन सा गांव था ये? कुदनी, कुदनी गांव में है। तो देखिए, मतलब ये इस प्रकार की बाढ़ शायद 1995 में बाढ़ आई होगी, उसके बाद अभी इतना पानी आया, शायद 1995 की बाढ़ से भी ज़्यादा प्रभावित करने वाला पानी है और ज़्यादा प्रभावित करने वाली बाढ़ है। तो जिसने 1995 की बाढ़ देखी है और अब ये बाढ़ का ये हाल है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो बाढ़ ज़्यादा आई थी या ये पानी ज़्यादा है? तो ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।